नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज आज की अपनी इस पॉलिटिकल स्टोरी में आपको दिखाऊंगा कहानी सीमा की, उस सीमा की जो लगातार राजनीतिक रूप से सिमट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़कल क्षेत्र से बीजेपी की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की। चुनाव सिर पर हैं और सीमा जी की लोकप्रियता अपनी ढलान पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक तमाम लोग एक स्वर में सीमा त्रिखा को अस्वीकार कर रहे हैं। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय तमाम पार्टी पदाधिकारी लामबद्ध हो गए हैं और एकजुट होकर सीमा का विरोध कर रहे हैं। ये पदाधिकारी सीमा के पॉलिटिकल गॉडफादर समझे जाने वाले केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने खुलकर सीमा के प्रति अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। साथ ही इन लोगों ने हरियाणा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन के पास भी अपना असंतोष जाहिर किया है। अगर हम सीमा की चुनाव यात्रा पर एक नज़र डालें तो सीपीएस के पद से हटने के बाद से ही सीमा की लोकप्रियता का ग्राफ ढलान पर है। दरअसल सीमा स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने में नाकामयाब रही हैं। बारीक सा अंतर समझें, सीमा पंजाबी हैं और बड़कल विधानसभा क्षेत्र बनुवाल और झंग बाहुल्य इलाका है जो सिराय की बोलते हैं। सियासत में कोई भी नेता न तो एक घटना से लोकप्रिय होता है और न ही एक घटना से अलोकप्रिय है, लेकिन बार बार लगातार घटनाओं का क्रम जुड़ता है और जनता किसी नेता के विषय में अपनी राय बनाती है। बीजेपी की सरकार में एनआईटी के दशहरा मैदान में सिरकटा रावण लगातार अट्टहास करता रहा और धार्मिक मामलों में हुई सियासत जनता को सीमा से दूर कर गई। बिजली की किल्लत से बिलबिलाए ग्रीनफील्ड के लोग जब अपनी समस्या लेकर सीमा के पास पहुंचे तो बेचारों पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। बड़कल विधानसभा क्षेत्र का बड़ा भावनात्मक मुद्दा बड़कल झील रही, जिसे भरने का सपना दिखाकर सीमा ने बड़कल वासियों को अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन बड़कल झील अब भी प्यासी है। विकास और ईमानदारी की दुहाई देकर सीमा ने इन तमाम विवादों को बौना करने की कोशिश की है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस तमाम हो हुल्लड़ के बाद बीजेपी अगर सीमा की टिकट काटती है तो फिर बड़कल विधानसभा से किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, यह बताएंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए अपना यह लोकप्रिय चैनल वॉइस ऑफ फरीदाबाद।